प्यारे बच्चों, आज आपका पार्ट नंबर 13 चलेगा और ये चैप्टर नंबर आपका 12 है और चैप्टर का नाम अल्टरनेटिंग करंट है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जनरेटर के जो जिन्होंने इसको आविष्कार किया था उसका नाम था निकोला टेस्ला, जिनका जिन्होंने आविष्कार डिस्कवर की थी वो ये थे निकोला टेस्ला। अब इन्होंने क्या करा, एक इन्होंने कहा कि ये एक ऐसी डिवाइस है कि इस डिवाइस कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हैं, और इसे हम एसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको याद करना है, एसी जनरेटर समझ आ गया। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है। व्हेन ए क्लोज्ड कॉइल इज रोटेटेड रैपिडली इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब हम क्लोज कॉइल को तेजी से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज द कंटिन्यूसली। जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल से पास होता है तो लगातार उसमें चेंजिंग होता रहता है। सो एन ईएमएफ प्रोड्यूस, तो इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होता है इन द कॉइल एंड द करंट फ्लो, और जैसे ही वो इंड्यूस प्रोड्यूस होगा तो हमारी सर्किट के अंदर करंट फ्लो इन इट, तो इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगी इन ए डायरेक्शन गिवन इन द फ्लेमिंग ऑफ द राइट हैंड रूल, और इसकी डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब देखेंगे इसमें जो कंस्ट्रक्शन होती है, कंस्ट्रक्शन में हम NS दो मैग्नेट लेते हैं, इसके बीच में एक हम आर्मेचर लगाते हैं, कोयल लगाते हैं, रेक्टेंगुलर कोयल, और इसके एक टर्मिनल को हम हाफ रिंग से और दूसरे टर्मिनल को दूसरे रिंग से कनेक्ट करते हैं, और इनके दोनों रिंगों को हम ब्रूज के साथ कनेक्ट करते हैं, ब्रूज के वायर के थ्रू हम बल्ब ऐड कर देते हैं। ये इसकी हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब इसको, इस कंस्ट्रक्शन को मैं एक्सप्लेन कैसे करें, हमें ये समझाएं तो कैसे समझाएं। ठीक है, तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या है, द जनरेटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, तो इस जनरेटर के निम्न पार्ट हैं। नंबर एक आर्मेचर, पहला पार्ट क्या है आर्मेचर, द कोयल ए बी सी डी इज ए आर्मेचर, ये ए बी सी डी जो कोयल है इसको क्या बोलते हैं आर्मेचर। दूसरा है फील्ड मैग्नेट, जो हमारी एन एस हैं इनको फील्ड मैग्नेट कहते हैं, इन्हें एन एस नॉर्थ साउथ इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। ओके, फिर इसमें तीसरा पॉइंट होता है स्लिप रिंग्स एंड ब्रूसेस, जो स्लिप रिंग्स और ब्रूस हो गए हमारे R1 जो R2 हैं उनको हम स्लिप रिंग बोलते हैं, एंड B1 B2 को हम ब्रूसेस कहते हैं। B1 B2 जो दिखा रखे हैं वो ब्रूस के लिए हैं, R1 R2 जो दिखा रखे हैं वो रिंग्स के लिए हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे वर्किंग, इसका कैसे हम तैयार करें। वर्किंग में यह है, द कोयल ए बी सी डी रोटेट फ्लक्स लिंक्ड विद द इट चेंजिंग, जैसे ये कोयल रोटेट करती है तो उसका जो फ्लक्स है वो चेंज होता है, फ्लक्स के चेंज होने से एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन द कोयल, तो कोयल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ चेंज होता है एंड द करंट फ्लो इन इट, और उसके अंदर करंट फ्लो होने लगती है। व्हेन द कोयल इज रीच वर्टिकल पोजिशन, जैसे ही जब कोयल जो है वर्टिकल पोजिशन में आती है, देन द आर्म ए डी एंड सी डी, तो ए डी और सी डी हमारी मूव्स पैरेलल टू फील्ड, तो ए डी और सी डी ये हमारी जो आर्म होती हैं वो फील्ड के पैरेलल हो जाती हैं। देन द इंड्यूस ई एम एफ एंड करंट इज जीरो, तो इस पोजिशन में हमारी इंड्यूस ई एम एफ और जो हमारी करंट है वो जीरो हो जाती है। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द बी वन, तो बी वन बी टू के बीच में अल्टरनेटिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जनरेट होता है, डेवलप होता है जनरेटिंग ऑन एसी इन द
सर्किट कोई सर्किट के अंदर जनरेट होने लगता है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं लिखाया मैंने, बहुत संक्षेप में इसकी वर्किंग की है, इस वर्किंग को आपको याद करना है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो बच्चों, आज चलेगा आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, थ्योरी भी आपको आती है। थ्योरी मैं इतना संक्षेप में लिखा दूंगा, इसे थ्योरी एक पेज की बना कर दिए जिससे आप आराम से याद कर लो। ट्रांसफार्मर, इट इज़ ए डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विच इज यूज इन कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू द स्मॉल करंट एट हाई वोल्टेज, इट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। जो करंट को वोल्टेज के साथ कन्वे करता है, कन्वर्ट करता है, उस एपरेटस का नाम रखा हमने ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में भी टू टाइप, एक तो होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी कोयल हमारी कम है, नंबर ऑफ टर्न कम है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं, तो ये तो हमारा हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि हमारी प्राइमरी कोयल मतलब ये हो गया, और उसके यदि प्राइमरी कोयल ज़्यादा हैं सेकेंडरी कोयल कम हैं, तो हमारा ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा हुआ? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सेकंड वाला, ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एस यू पी का मतलब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अब इसमें देखिए, हमने इसके थ्योरी कितनी आपको आसान से लिखवाई है जिससे आपको आराम से याद हो जाए। द ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, जो हमारी ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज वंस में चेंज करता है, इसलिए वो कहते हैं आर कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज इनटू लोअर वंस, अगर हाई वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। जो इसकी कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में ये बताना है कि जो ट्रांसफार्मर जो हमने ऊपर बता रहे थे, द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू कोयल, प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल। तो हमने देखा कि ट्रांसफार्मर, हमने दो प्रकार की कोयल बताई ऊपर, एक तो हमने प्राइमरी कोयल बताई, एक सेकेंडरी कोयल बताई, विच आर इंसुलेटेड ईच अदर, वो जो है इंसुलेटेड वायर से बनी होती हैं, इंसुलेट वायर की, एंड वुडन ऑन द सॉफ्ट आयरन, और सॉफ्ट आयरन की लेमिनेटेड कोर पर वो जो है बनी होती हैं, और इसे हम जो है इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार की कोयल होती हैं, और इसमें जो हमारा एक आयरन कोर होती है, लेमिनेटेड आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, इसके ऊपर ये लपेट कर तैयार की जाती है। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। आप देखेंगे इसकी थ्योरी, थ्योरी में हम लिखेंगे व्हेन एसी फ्लो इन थ्रू द प्राइमरी कोयल, जब एसी प्राइमरी कोयल में अल्टरनेटिंग करंट प्राइमरी कोयल में फ्लो होती है बाय द फैराडे लॉ, तो फैराडे लॉ से हम देते हैं प्राइमरी कोयल के अंदर इंड्यूज EMF कितना होता है, EP = -NP ΔΦB/ΔT फर्स्ट, और सेकेंडरी में ES = -NS ΔΦB/ΔT, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देन ES/EP = NS/NP = R, ये हमारे रेशो बना दी, ये थर्ड इक्वेशन होगी। बट यदि हम पावर में देखते हैं, बट पावर इन सेकेंडरी एंड पावर इन प्राइमरी कोयल, पावर इन सेकेंडरी कोयल के लिए VS into IS, पावर इन प्राइमरी कोयल के VP into IP, VP और VS को एक तरफ कर लेंगे, IS और IP को एक साथ ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे R, इसे कहते हैं R, वेयर R इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, नाउ इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 3 और 4 को जब हम I की तरफ करते हैं तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो है 3 and 4 से, देन वी हैव IP upon IS equal to
Vs अपॉन Vp इजकल टू Ns अपॉन Np इजकल टू R। R क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ये आपका कंप्लीट हुआ, अब इसे तैयार करना है, इसे याद करना है, एग्जाम में इसे तैयार करके जाना है। ज़्यादा लंबी थ्योरी लिखाई है, संक्षेप में इसे आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।